ये सामान लाइए। ये अपना चल रहा है ये वर्कआउट नहीं, ये बकवास चल रहा है। ठीक है पकड़िए, क्यों छोड़ दिए इतना भारी? क्या है इतना भारी कि तुम गिर जाओगे? नहीं इतना भारी कि तुम गिर जाओगे। इसमें क्या है? धनिया पत्ती? वही है जो तुम सोच नहीं सकते। आटा और कुछ नहीं ना, आशीर्वाद आटा। आजकल नगमा को जो भी बोलते हैं ना कुछ भी, तो मना कर देती है। बहुत बिजी हो गई आजकल। देखिए कॉफ़ी बनाने के लिए कब से इसको बोल रहे हैं, 10 बार बोलने के बाद बना रही है, वो भी बेमन का बना रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है, मन बेमन से मतलब नहीं होता, बना के तो दे रही हूँ ना। हम तुमको बोले कब से बोल रहे हैं कि हमको थोड़ा ठंडा ठंडा फील हो रहा है, कॉफ़ी पिलाओ कॉफ़ी पिलाओ, सुन ही नहीं रही, इग्नोर कर रही है। क्यों इग्नोर करती हो तुम? मैं डस्टिंग वगैरह में लगी थी ना। डस्टिंग में लगे, पहले हमको डस्टिंग से जरूरी है मेरा कॉफ़ी ना। हाँ तो बना दी ना, बना दी, कम दो, कम शांति से बैठ करके पिए पूरा अच्छे से। चलिए आई, उसको मिलाया कौन? अरे 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 अच्छा बना है। तुम बोल रही है फीलिंग भी आई है, तुम जितना भी डस्ट इसका डस्ट था ना सब तुम कॉफी में डाल दी। ऐसा नहीं है। अरे मेरा कौन सा है ये कॉफी लिखा वाला? धूप में बैठ के आई। धूप में हम तुम बैठोगी? हम दोनों अच्छा लगेगा। मेरा मग दो कॉफी का, तो ठंडी लग रही है ना, फिर धूप में क्यों नहीं बैठे? मेरा मग दो ना पहले, आपका मग ऊपर। सिर्फ कॉफी, नाश्ता? नाश्ता आपको लाना चाहिए। अब नाश्ता क्या लाए, बाहर का चीज है, तुम तेल का चीज हम पूरी नहीं खाना चाहते हैं, पैक्ड फूड सुबह सुबह नहीं खाना चाहिए। ये कौन बोल रहा है फ्रेंड्स, जो रोज पैक्ड फूड लाला करके खाते हैं, पूरी लाला करके खाते हैं, तो अब हम नहीं खाना चाहते ना, तो अब तुम क्या करोगे यहाँ पे, क्या उपाय करोगे नाश्ता? जो इतने साल से जो परंपरा चलाते आ रहे हैं वो एक भी चीज नहीं होता है, उसको टाइम नहीं है। सुबह में पूरी खाना, पैक्ड फूड खाना, तो अगर हम ये सब नहीं खाएंगे तो सुबह में क्या बनाएंगे? अभी घर में क्या है बनाने के लिए? घर में नाश्ता में कुछ भी नहीं है। पीनट के पीछे आप पर फैंस, मैं थोड़ा सा पीरियड में आती हूँ, और जैसे पीरियड आता ना मुझसे ज्यादा उसके पीछे यही पड़ जाते हैं खाने के लिए। बोलिए ऐसे में कैसे होगा? थोड़ा सा प्रोटीन, आई नीड सम प्रोटीन राइट नाउ। आप अपना ला करके देखो, थोड़ा सा हम तुमको ला देंगे, आधा किलो ला देंगे, आधा किलो पक्का, आधा किलो ला देंगे। कल भी दी ना आपको कल इतना सारा जो वो पीनट, अच्छा पीनट चिक्की बनाई तो पूरा ठूस ठूस के आप खा लिए, उससे तो इतना सारा प्रोटीन आपको। आप लोग देखे ना हमको इतना बड़ा दिया, और ये खुद जो है ना हमको बुलाने से पहले खुद खा रही है बैठ के वहाँ पे। जब तक पहले आपको नहीं दिया, आपसे टेस्ट नहीं कर रहा था, आवाज आ रहा था किचन से। नहीं मैं चखी भी नहीं, वो तो खटपट वो बना नहीं रहा था। नहीं नहीं तुम खा रही थी, जब जब ये जब बराबर हो गया ना, ऐसे मेरा जितना निकाली ये अपना ज्यादा निकाले रखी हुई थी, जब खाना के जब बराबर कर ली तब हमको बुला रही है। वो एक इतनी छोटी सी ये चकरी टाइप की रोटी, प्रूफ दिखाओ, प्रूफ था। हाँ मेरे फ्रेंड्स है ना प्रूफ, तो मैंने तोड़ी ना, तो जो बड़ा हिस्सा है जैसे एक इसका तोड़ के आधा से छोटा हिस्सा मैं ली, उससे जो बड़ा हिस्सा था इनको दी। हमको ऐसा लग रहा है अंदर से ऐसा फील आ रहा है, तुम जो है ना सब मेरे साथ चीटिंग की। आपके फील का मैं क्या करूँगी, अचार डाल बता दो, थोड़ा सा खत्म हो जाएगा फिर आप नहीं लागे इतना शाम लागे तो शाम में भी फिर मानते फिर नहीं शाम में नहीं, अभी हमको नाश्ता नहीं किया ना आज, इसीलिए थोड़ा सा लागे अब फिर शाम में आप नहीं मानेंगे? नहीं मानेंगे, शाम में ही मानेंगे। देखते कितना लेके आती है, देखिए कितना कितना कम बादाम लाके दी है, दो दाना लाके दिए, क्या कोई बात नहीं। पीरियड में एक बार भी बहुत ज्यादा क्वांटिटी में नहीं खानी चाहिए ना। मैं खाती ना तो सिर्फ मुट्ठी से अपनी एक मुट्ठी लेती, आपको दो मुट्ठी दी, तो मेरा मुट्ठी बड़ा है ना। अब आपका हाथ इतना बड़ा है छिलछा की तरह पत्ता की तरह, दूसरे मैं क्या करूं। जल्दी से लंच बनाती हूँ, और आज लंच में बनाऊंगी मटर आलू सोयाबीन की सब्जी और राइस और दाल, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो बनाऊंगी, नहीं तो उसे स्किप करूंगी। और बाकी बर्तन वगैरह यहाँ पे धोने हैं, बाकी डस्टिंग वगैरह के मेरी सारी काम खत्म हो चुकी है। हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो आप लोग कैसे हैं, उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, आप लोगों की दुआ से अल्लाह पाक के रहम करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और यहाँ पे ना मैं सलाम दुआ लेट से थोड़ा कर रही हूँ, उसके लिए फिर से सॉरी। आप सोचेंगे नगमा तुम तो आदत बना ली हो अब रोज़ रोज़ की,
तो नहीं, आज सच में मिस्टेक हो गई, मुझे लगा कि मैंने आपसे ऐसे ही डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर लिया है, बट जब मैं फिर से वॉच की अपना वीडियो को तो मुझे लगा कि ओफो मैंने तो करना ही भूल गई। मैं सोची कोई बात नहीं, ऐसे भी आप लोग मुझे बहुत प्यार करते, थोड़ी बहुत मिस्टेक जो हो जाती है उसे तो माफ़ कर ही देंगे, तो हमने अब कर लिया सलाम दुआ। यहाँ खाना तो हमारा बन चुका फ्रेंड्स, अब मैं पानी ले ली और सैम सो गए ये देखिए, क्योंकि वो सुबह से उठे हुए थे। अभी 1:30 बज गए हैं फ्रेंड्स, फैमिली शो करके उठ चुके हैं और अब उनको भी भूख लगी है, मुझे भी लग चुकी है भूख, अब जा रही हूँ लंच अपना निकाल ले और हम दोनों बैठ के आराम से करेंगे खाने को, अच्छे से चबा करके खाएंगे, इंजॉय करके खाएंगे। तो यहाँ पे मैं आप लोगों से एक चीज़ कहना चाहूँगी फ्रेंड्स कि जैसे बहुत सारी चीज़, जैसे आप लोगों किसी कमेंट का मैं ब्लॉग में कभी रिप्लाई कर देती हूँ या फिर कमेंट की रिप्लाई वीडियो बनाती हूँ उसमें रिप्लाई कर देती हूँ, तो आप लोग क्या करते हैं ना, सबका नहीं बोलूँगी, आप लोग कुछ कुछ के बारे में मैं बोलूँगी कि आप लोग ना पूरा सही से वॉच नहीं करते हैं और आप लोगों को लगता है कि मैंने आपका रिप्लाई ही नहीं किया, फिर आप लोग कमेंट करके नाराज़गी दिखाते हैं, आप नाराज़गी दिखाते उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ब्लॉग को पूरा देखा हमारा हो चुका है कम्प्लीट फ्रेंड्स, आपने देखा मैंने जो हमारे घर में खाना बना था उसी से हमने अपना डाइट कम्प्लीट किया, और आप लोग भी ऐसी करें जो आपके घर में खाना बने टेंशन बिल्कुल ना ले, उसी को खाते हुए अपनी डाइट कंप्लीट करें, कुछ गोल्डन रूल्स है जो कि आप अपना ले अपनी डाइट में वेट लॉस में, वो करेंगे साथ साथ तो आपका वेट लॉस बहुत अच्छे से होगा। आप ना खाने को एंजॉय करके खाएं, जो भी खाना खाएं खाने को एंजॉय करके खाएं, पानी हम अच्छे से पिए ये है होता है सबसे बड़ा। आप लोग भी फिर कमेंट में जा रहे हैं कि तुम पानी कितना पिए कैसे पिए, तो मैंने बार बार वीडियो में बता दिया कम से कम 3 लीटर पानी ज़रूर पिए, भूखे पेट कभी ना रहे, ये नहीं कि भूख लगी हुई है और हम इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि हमें वेट लॉस करना है, भूखे पेट कभी नहीं रहे, आप भूखे पेट रहेंगे आपका वेट लॉस नहीं होगा, आपका पेट बढ़ेगा। तो उसके बाद आप ये भी करें, एक चीज़ अपनी ऐड करें कि आप जो अगर हम लोग ये जहन में सोच लेके चल रहे हैं या आप लोग कोई भी ऐसा करना चाह रहे हैं कि अपने खाने से अनाज को कट ना करें, रोटी चावल ये सब को कट बिल्कुल भी ना करें, आप रोटी चावल कट करके अपना वेट लॉस करेंगे तो कितने दिन तक आप कंटिन्यू कर पाएंगे, एक वक्त तो आएगा ना कि आपको फिर रोटी चावल खाना ही पड़ेगा, क्योंकि इसके बिना हम लोग रह ही नहीं पाएंगे ना, कितना दिन हम लोग इस चीज़ को चला पाएंगे कि अनाज नहीं खाएंगे, अगर हम किसी भी तरह रोटी चावल ये सब अपने डाइट से कट करके और हमने थोड़ा बहुत वेट भी अगर लॉस कर लिया तो क्या हो जाएगा, जैसे ही फिर से हम अपनी रोटी चावल पे आएंगे फिर से उससे डबल वेट हमारा बढ़ जाता है, तो ये चीज़ बिल्कुल भी ना करें। तो यही सब चीज़ों का हम ख्याल रखेंगे तो इंशाल्लाह हमारा जैसे वेट लॉस हुआ आप लोगों का भी होगा। जब मैंने 1 मंथ में 10 kg अपना वेट लॉस किया, मैंने आप लोग मेरी शुरू की वीडियो जा करके देखे, मैंने कुछ बाहर से कि ये फ्रूट मंगा रही हूँ वो मंगा रही हूँ मैं सैलेड खा रही हूँ ऐसा कुछ भी नहीं किया, मैंने घर में हमारे जो बना है उस टाइम हालांकि इतनी सब्जी वगैरह भी हमारे घर में अवेलेबल नहीं होती थी, ज़्यादा आलू दाल यही सब बनता था, मैं वो सब चीज़ खाते हुए अपना वेट लॉस की हूँ, 1 मंथ में 10 kg की थी, तो आप लोग का क्यों नहीं होगा। तो आप लोग बस कोशिश करें, जो छोटी छोटी मिस्टेक्स हमसे होती है ना बस उसका ख्याल रखें, आपका वेट 100% लॉस होगा, और थोड़ा पेशेंस रखें कि किसी भी चीज़ के लिए ना हड़बड़ाएं नहीं, बस थोड़ा टाइम दे खुद के बॉडी को, सबकी बॉडी अलग अलग टाइप से होती है, मैं बार बार बोलती हूँ सबकी बॉडी जल्दी रिएक्ट नहीं करती है, तो थोड़ा सा अपने बॉडी को ना टाइम दें। तो चलिए अब बच्चे आने का टाइम हो चुका है, आप थोड़ी देर में बच्चे आएंगे ट्यूशन का मतलब पढ़ने वाले, तो मैं आपको फिर चाय नाश्ते पर अपने मिलती हूँ, और अब हो चुका है फ्रेंड्स चाय का टाइम, तो मैं आ गई हूँ चाय बनाने के लिए, और ये प्लास्टिक में देखिए नाश्ता का भी इंतजाम हो गया, एक हमारी स्टूडेंट है जो गाँव गई हुई थी अपने फैमिली के साथ, तो वो लोग गाँव से आई है, तो वही गाँव से कुछ तोहफा लेकर गई है, तो वही लेकर गई है, तो इसी के साथ हम लोग अपना नाश्ता आज का कम्प्लीट करेंगे। और यहाँ पे मैं अपनी चाय बनाने लगी थी जिसमें मैंने पहले गुड़ डाला है, क्योंकि मैं अपना 1 कप गुड़ वाली चाय निकाल लूँगी, उसका शाम की चाय में मैं शुगर डाल दूँगी, और आप लोग बहुत कमेंट करते हैं ना कि दी हाँ नहीं आप लोग नहीं, एक कमेंट मुझे आया था अभी याद आया फ्रेंड्स, मैं नाम उस आईडी का भूल रही हूँ कि क्या ब्लैक कॉफ़ी में शुगर डाल सकते हैं, तो सबसे बड़ी चीज़ ब्लैक कॉफ़ी में शुगर नहीं डाला जाता है, और अगर आप शुगर डाल देंगे ना तो आपको अच्छा भी वो नहीं लगेगा, उसका टेस्ट ना अजीब सा हो जाता है, इसलिए ब्लैक कॉफ़ी में शुगर कभी भी ना डालें, और ब्लैक कॉफ़ी ऐसी ही पियेंगे तो आपका वेट लॉस होगा, लेकिन हाँ जिन लोगों को थायराइड है वो ज़्यादा ना इंटेक करें ब्लैक कॉफ़ी का, क्योंकि इसमें ना फिर थायराइड में प्रॉब्लम आपको होगा, जैसे मैं मुझे बहुत ज़्यादा नशा है तो मैं एक बार पीती हूँ, इसको बोलते हैं मिठुआ, मिठुआ हाँ, बचपन में जाता था मेला घूमने के लिए, तो ये तो अम्मी बोलते लाने के लिए वाला। हमने आटा गूंद के यहाँ पे रख लिया है, और वही कल वाली सब्जी है ये है, और अंडे वगैरह अगर आए तो वो बनेंगे, मिला के हमारा डिनर हो जाएगा, और यहाँ पे हमने सारे बर्तन वगैरह सब धो लिए, सिर्फ अब रोटी बनाना है, इसके बाद फिर हम लोग डिनर करेंगे।
अच्छा मुझे ना एक कमेंट आया था फ्रेंड्स के आईडी का नाम ना मैं थोड़ा शायद भूल रही हूँ। उन्होंने लिखा था कि दी आप रोटी नहीं खाती है, तो नहीं डियर मैं रोटी खाती हूँ, लेकिन जिस दिन मुझे नाइट में भूख लगती है खाती हूँ, नहीं लगती है नहीं खाती हूँ। आप लोग भी ऐसा ही करें, भूख लगे तो ही खाना खाएं, नहीं लगे तो आप उस टाइम का ना खाना स्किप कर दें। ये नहीं कि हाँ 7 बज गए भूख नहीं लगी है तो एकदम डिनर करना ही करना है, 2 बज गए 1 बज गए खाना सब लोग खा रहे हैं और आपको भूख नहीं भी है तब भी आप बैठ गए कि अरे सब खा रहे हैं तो मैं भी खा लूँ, तो ये सब गलतियाँ ना करें। खाना पीना तो हमारा हो चुका फ्रेंड्स, अब हमने ना ये धनिया का पानी रख दिया है कल मॉर्निंग टाइम के लिए। इसमें ये क्या लगा हुआ है, धनिया का बीज। उसके बाद इसको ढक के रख दूंगी फ्रेंड्स, ऐसे नहीं रखूंगी, टेंशन मत लो आप। सारे काम से अब मुझे मिला है छुट्टी, मतलब छुट्टी मीन्स कि घर के काम से छुट्टी मिला है, अभी मेरा जो पर्सनल काम है वो है बाकी। बहुत ठंडा है भाई। तो आप हुडी वगैरह पहनिए, आप खुद ठंडा भी मजे ले रहे हैं बिना इसके। और आज का मेरा पूरा काम खत्म हो गया। अच्छा लगता है ना जब आपका जितना घर का काम है हम लोगों का जब खत्म हो जाता है तभी लगता है दिमाग से बहुत बड़ा बोझ उतरा, सुबह से लेकर शाम तक। अब एक अच्छा एक मेरा चेहरा पीछे से काला इतना क्यों दिखता है? तो मेरा भी तो अभी दिख रहा है मेरा तो वो नहीं नहीं वो लाइट का ज्यादा प्रॉब्लम हो जाता है फ्रेंड्स, पता नहीं क्यों दो दो लाइट लगा हुआ रूम में दिख रहा है उसी तरह क्या जैसा दिख रहा है? नहीं उससे फेयर है मेरा जो है ना, इस रूम में दो दो लाइट है मगर शायद ये मोबाइल जो है ना ये थोड़ा इसका कैमरा बहुत लो क्वालिटी का है ना, इसलिए जैसे ही नाइट के टाइम का नहीं अच्छा से मतलब फोकस नहीं करता है ना, अच्छा नहीं लेता है, एकदम धुंधला करके एकदम धब्बा धब्बा दिखाता है। बट कोई नहीं, चेहरा अच्छा दिखाने से कोई मतलब नहीं, इमोशंस मिलना चाहिए, मतलब चेहरा खूबसूरती बसूरती ये सब मैटर नहीं करता है। मेरी बातें और मैं आप तक पहुंच रही हूं, आपके दिल तक पहुंच रही हूं, ये मेरे लिए काफी है। हेलो हेलो माइक चेक, कुछ कहना चाहेंगे? मैं जो बोली इस पे आप कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे प्लीज करें। सुन रहा है ना रो रहा हूं मैं तो, और आप कुछ बोलेंगे जीजू? और सब बढ़िया है, आप कैसे हैं? आप कमेंट कीजिए। आपको पता है हाँ? आज बहुत सारा न्यू आईडी से कमेंट आया है फिर से। हाँ। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, और आप लोग अपना नाम जरूर मेंशन करें। हाँ, बहुत सारे और नाम जहां से कमेंट करते हैं उस जगह का भी नाम मेंशन करें। हाँ, आप लोग ऐसी कमेंट करते रहे, इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में या क्यूने में मैं आपका नाम आप लोगों का भी जरूर मेंशन करूंगी। और अच्छा लगता है नए नए जगह से लोग जुड़ रहे हैं तो सबसे ज्यादा। जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर वो लोग तो मुझसे प्यार कर ही रहे हैं, प्यार लुटा ही रहे हैं, नए भी जुड़ रहे हैं तो आप लोग भी मुझे प्यार दीजिए, सपोर्ट कीजिए, प्यार लुटाइए अपना। बस इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग का एंड करूंगी। आज का हमारा ब्लॉग आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, हमारे चैनल को आप लोग जो भी नए हैं प्लीज सब्सक्राइब करते हुए जाए। अपनी दुआओं में हमें याद रखें, हम दोनों को याद रखें और हम दोनों मिलकर आप सबको दुआओं में अपनी याद रखते हैं। अल्लाह आप लोगों की तरफ से मैं इनको बोल दी वालेकुम सलाम। ओके, जीजू ना बोल रहे थे कि है ना आप लोग को जो इतना रिक्वेस्ट की गया इनके लिए अच्छा अच्छा कमेंट करने के लिए, बेचारे के लिए कभी कभी कर दिया कीजिए। उंगली को तकलीफ मत दीजिए, इनके लिए कीजिए। हाफिज फ्रेंड, बाय बाय, गुड नाइट।